मीडिया बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से बीएसपी और समाजवाद पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब से खासकर एसपी प्रमुख श्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव भी मुझे पूरे दिल से वे पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा व आदर्श मानकर मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिले शिकवे को भुला व्यापक देश एवं जनहित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब खुद की परिवार की तरह ही पूरा पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिश्ते केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिश्ते अब कभी भी खत्म होने वाले नहीं है, ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी पूरी कोशिश बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मजबूरियों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये भी सभी जानते हैं। और इसलिए अभी अभी संपन्न हुए लोकसभा आम चुनाव के संबंध में जो परिणाम खासकर यूपी में उभर कर सामने आए हैं, उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाव में एसपी का बेस वोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहुल्य सीटों पर भी एसपी के साथ पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ नहीं रह सका। अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात की नाराजगी के तहत भीतर घात किया है और एसपी की खासकर यादव बहुल्य सीटों पर भी एसपी के मजबूत उम्मीदवारों को भी हरा दिया है। तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ खासकर कन्नौज में श्रीमती डिंपल यादव, बधाइयों में श्री धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद में श्री राम गोपाल यादव के बेटे का भी हार जाना तो ऐसा है जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि यूपी में जन अपेक्षा के विपरीत आए चुनाव परिणाम में ईवीएम की भी भूमिका काफी कुछ खराब रही है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी बीएसपी के बेस वोट और एसपी का अपना बेस वोट जोड़ने के बाद फिर उन सबको कतई भी हारना नहीं चाहिए था। इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज्यादा दुख है और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में यह आकलन किया जा सकता है कि जब एसपी का बेस वोट खुद एसपी की खास सीटों पर ही छिटक गया है तो फिर इन्होंने बीएसपी को अपना वोट कैसे दिया होगा। और इसी खास संदर्भ में ही कल दिनांक 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में यूपी के पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक में इन चुनाव परिणामों की काफी गहन समीक्षा की गई। और समीक्षा में ये पाया गया कि बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलने वाली कैडर आधारित पार्टी है और इसी मानसिकता के तहत एसपी से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके संबंध में एसपी के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है तथा उन्हें अपने आप में बीएसपी के कैडर की तरह ही किसी भी हाल में तैयार होने के साथ साथ बीजेपी की घोर जातिवादी सांप्रदायिक जन विरोधी नीतियों से प्रदेश देश व समाज को मुक्ति दिलाने के लिए काफी कठोर संघर्ष करते रहने की सख्त जरूरत है, जिसका एक अच्छा मौका एसपी के लोगों ने इस बार चुनाव में गवा दिया है। लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तैयारी करने की जरूरत भी है। और यदि मुझे लगेगा कि एसपी प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों की मशीनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तब फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। अर्थात अभी हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है और अगर वह किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने यूपी में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनाव में फिलहाल अकेले यह चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उपरोक्त बातें मुझे मीडिया के माध्यम से आज देश के सामने इसलिए लानी पड़ी है क्योंकि कल पार्टी बैठकों की अपनी व्यस्तता के कारण मैं मीडिया की खबरों का संज्ञान नहीं ले पाई। वैसे तो कल मैं मीडिया में नहीं गई थी और ना ही कोई प्रेस नोट आदि जारी किया था, लेकिन आज सुबह जब मैंने कुछ टीवी चैनलों में ये देखा कि मेरे हवाले से गठबंधन के संबंध में मीडिया में काफी गलत और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है तो फिर मैंने कल की पार्टी बैठक में लिए गए अहम फैसलों पर अपनी बात को स्वयं ही मीडिया के सामने रखना बेहतर समझा। और जो कुछ कल मैंने पार्टी बैठक में कहा था वही बात आज मैं मीडिया के सामने भी कह रही हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।